स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय पैशन टीचिंग। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ स्टोरी, नेम इज लिटिल टाइगर बिग टाइगर, कि छोटा सा शेर और बड़ा शेर। ठीक है, सो देयर वाज अ मदर टाइगर, कि एक मदर टाइगर थी, कि एक शेर की जो मदर होती है माँ। ठीक है, तो एक मदर टाइगर थी और एंड हर स्मॉल टाइगर कब, और उसके छोटे छोटे टाइगर कब थे। टाइगर कब हम इस्तेमाल करते हैं जो शेर के जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, और उनका जो झुंड होता है उसको हम कब बोलते हैं। ठीक है, तो स्मॉल टाइगर कब, और आपने साथ साथ में वर्ड्स मीनिंग लिखते जाना है। तो आपने अपनी कॉपी के ऊपर एक तरफ को लिखना है बर्ड और एक तरफ लिखना है मीनिंग, और जो भी वर्ड्स आपको मैं डिफिकल्ट वर्ड बताऊंगी आपने उनके यहाँ पे मीनिंग्स लिखते जाना है। ठीक है, दे लिव नियर अ रिवर इन अ शेडी जंगल, कि वो लिव्ड का मतलब होता है रहते थे। कहाँ पे रहते थे, नियर अ रिवर, कि एक नदी के किनारे। ठीक है, नियर मतलब होता है नजदीक, नियर का मतलब होता है नजदीक, रिवर का मतलब होता है नदी। ठीक है, लिव का मतलब मैं बता रही हूं जीना होता है, यहां पे लिव्ड आया है तो यहां पे इसका मतलब होता है रहते थे। ठीक है, वो रहते थे वहां पे। दे लिव नियर अ रिवर इन शेडी जंगल, शेडी का मतलब होता है छायादार, शेडी का मतलब होता है छायादार। ठीक है, छायादार जगह पे, जंगल मतलब जंगल ही होता है, छायादार जंगल में वो रहते थे नदी के नजदीक। व्हेन द स्काई वाज डार्क द मदर टाइगर हंटेड फॉर डियर एंड पिग, जब व्हेन का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था जब हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखें, आपको इस वीडियो के एंड में उसका लिंक वो वीडियो आपको नजर आएगी, तो उस पर क्लिक करोगे तो आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। व्हेन द स्काई वॉज डार्क, कि जब स्काई मतलब आसमान, डार्क होता है मतलब कि अंधेरा होता है, व्हेन स्काई वॉज डार्क का यहाँ पे मतलब है कि जब अंधेरा होता है, तो मदर टाइगर है वो हंटेड का मतलब होता है शिकार करती है। ठीक है, हंटिंग करना मतलब शिकार करना। ठीक है, हंटेड मतलब शिकार करती थी। ठीक है, शी हंटेड फॉर डियर एंड पिग, कि वो वहां पे डियर और पिग्स का शिकार करती थी। द टाइगर कब स्टे क्लोज बाय हिज मदर साइड, डियर का मतलब होता है हिरण। ठीक है, वो हिरण और पिग्स होते हैं सुअर, उनका वो शिकार करती थी। और जो छोटे छोटे बेबी कब्स टाइगर कब थे, स्टेड क्लोज टू बाय हिज मदर साइड, कि वो अपनी माँ के साथ साथ में जो थे वो क्लोज उसके रहते थे। ठीक है, जब वो शिकार करती थी। व्हेन द लंगूर मंकी सॉ हर ही कॉल्ड अ लाउड हार्श कॉल, वॉच आउट अ टाइगर इज कमिंग, कि जब जो लंगूर मंकी होते हैं, जो जिनकी लंबी सी पूंछ होती है उनको, जैसे हम लंगूर मंकी बोलते हैं ना, मंकी मतलब बंदर, जो लंगूर बंदर होते हैं, जब देखते थे, जब उस मदर टाइगर को देखते थे, शौक मतलब होते देखना, ही कॉल्ड अलाउड, कि वो जोर से चिल्लाते थे हर्ष कॉल, वॉच आउट, वो बोलते थे हर्ष, वो बोलते थे जोर से वॉच आउट, देखो अ टाइगर इज कमिंग, कि शेर आ रहा है। द सांभर डियर बिलोड द कक्कर डियर बार्क्ड एंड सम टाइम द गेम गॉट अवे, तो फिर क्या होता था कि जैसे लंगूर मंकी जो है वो हार्श मतलब तीखी, ठीक है, यहाँ पे हार्श का मतलब कि जब वो तीखी आवाज में, ठीक है, जब तीखी आवाज में वो चिल्लाता था, ठीक है, कि मैंने आपको अभी बताया कि व्हेन द लंगूर मंकी सॉहर, जब वो देखता था, ही कॉल्ड अ लाउड हार्श कॉल, यानी कि वो तीखी सी आवाज में बोलता था वॉच आउट, वॉच आउट मतलब कि यहाँ पे वॉच आउट जब हम शब्द को एक साथ इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब हो जाता है होशियार रहो। ठीक है, वॉच आउट का यहाँ पे मतलब है होशियार रहो,
टाइगर इज कमिंग, कमिंग का मैंने मतलब कि आ रही है, कि टाइगर जो है वो आ रही है. द सांभर डियर, जो सांभर नाम का जो डियर है मतलब हिरण है, वो विलोड मतलब कि वो जोर से चीखना, चीखता है. ठीक है. द कक्कर डियर बाक, वो भी जोर से चिल्लाता है. एंड सम टाइम द गेम गॉट अवे, यहाँ पे गेम गॉट अवे का मतलब है कि उनका शिकार हो जाता है. ठीक है. इसके बाद उनको जो है वो हिरण जो वो जो शेर है वो खा जाता था. शी हंटेड देन फॉर जंगल फाउल, फिर वो जो है वो जो जंगल जंगली मुर्गा है. ठीक है. जंगल फाउल का मतलब होता है मुर्गा. ठीक है. फाउल का मतलब होता है मुर्गा. फिर वो क्या करती थी, देन हम कहाँ पहुंचे थे, समटाइम गट गमे. शी हंटेड देन फॉर जंगल फाउल, फॉर फिजेंट एंड फॉर फ्रॉग, और वेंट टू द रिवर फॉर फिश, कि वो शिकार करती थी. शी हंटेड देन फॉर, पहले तो वो हिरण, हमने अभी पढ़ा कि वो हिरण और पिग का शिकार करती थी रात को. जब वो आती थी तो बंदर जोर से बता देते थे जो हिरण होते थे, और जो हिरण होते थे कि टाइगर आ रहा है, और वो जोर से चिल्लाते थे, और कई बार वो उनका शिकार कर लेती थी. फिर वो शिकार करती थी जंगल में रहने वाले मुर्गों का. फॉर फिजेंट, फिजेंट का मतलब होता है तीतर. ठीक है. यहाँ पे आप लिख सकते हो फिजेंट, हिजेंट मीन ए सॉरी PHEASANT मीन तीतर. ठीक है. फिर वो उनका शिकार करती थी, और एंड फॉर फ्रॉग, और फॉर फ्रॉग, और वेंट टू रिवर फॉर फिश. फॉर फ्रॉग, फ्रॉग का मतलब क्या होता है, मेंढक. ठीक है. मेंढक का शिकार करती थी, और फिश का मतलब होता है मछली. तो फिर वो शिकार करती थी जंगल में मुर्गों का, तीतरों का, और जो मेंढक होते थे, और जो नदी के अंदर जो फिश होती थी उनकी. बट शी डिड नॉट हंट एवरी नाइट, वो हर रात को हंट नहीं करती. हंट मतलब वो शिकार नहीं करती थी हर रात को. एवरी मतलब हर नाइट मीन्स रात को. इफ द मून वॉज ब्राइट, कि अगर चांद, मून वॉज ब्राइट मतलब कि जैसे जब चांदनी की रोशनी बहुत ज्यादा होती है. ठीक है. जब जैसे पूर्णिमा है उस दिन, जब फुल मून डे, फुल मून नाइट होती है, तो उस दिन जो मून की लाइट होती है वो बहुत ब्राइट होती है. द मदर टाइगर ले डाउन एंड वेटेड फॉर द डॉन, कि तब उस दौरान क्या होता है कि जो मदर टाइगर है वो ले डाउन मतलब कि वो रुक जाती है. ठीक है. और वो वेट करती है डॉन का मतलब कि वो दिन का इंतजार करती है. शी ट्विच्ड द टिप ऑफ हर टेल, कि वो अपने जो टेल है मतलब कि उसकी जो पूंछ है, उसकी जो टिप है, उसको वो झटकती है और उसको फड़कती है, जैसे फड़काना और झटकना, कि वो अपनी जो पूंछ है उसको जोर से ऐसे झटकती है. एंड द टाइगर कब पाउंस्ड ऑन हर टेल अगेन एंड अगेन, और जो टाइगर कब मतलब कि जो छोटे छोटे से जो टाइगर जो बच्चे हैं उसके, वो पाउंस्ड करते हैं कि वो झपटते हैं उसकी पूंछ के ऊपर बार एंड बार बार जो है. ठीक है. तो एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, इफ द मून वॉज ब्राइट, कि अगर मून ब्राइट होता है तो मदर टाइगर क्या करती है, वो ले डाउन मतलब कि वो इंतजार करती है किसका, सुबह का. यहाँ पे डेन का मतलब है दिन, मतलब सुबह, वो सुबह का इंतजार करती है. शी ट्विच्ड द टिप ऑफ हर टेल, ट्विच्ड का मैंने आपको अभी मतलब बताया कि ट्विच्ड का मतलब होता है झटकना. ठीक है. ट्विच्ड का नहीं बोल सकते हम, ट्विच सिंपल ट्विच का, ट्विच्ड तो यहाँ पे उसके सेंस में झटकना और फड़काना. ठीक है. झटकना और फड़काना, और मैंने अब वो अपनी पूंछ को उस दौरान झटकती है, और द टाइगर जो कब है वो पाउंस्ड ऑन हर टेल अगेन अगेन, कि वो टाइगर कब जब वो पाउंस करते हैं. पाउंस्ड का मतलब होता है उसके ऊपर झपटते हैं. ठीक है. झपटना, झटकना और झपटने में अंतर है. झटकना मतलब होता है जिसे हम केवल चद्दर होते उसको जोर से झटकते हैं, और झपटना मतलब जब हम उसके ऊपर छलांग लगा देते हैं. ठीक है. तो वो झपटते थे अगेन एंड अगेन, जैसे यहाँ पे बताया जो ये मदर है उसकी ये टेल है, और ये जो छोटा सा टाइगर है उसके ऊपर झपट रहे हैं. इफ ही वेंट टू फॉर अवे, कि अगर वो उससे बहुत दूर चले जाते थे. द मदर टाइगर कॉल्ड हिम विद अ लो क्वाइट ग्रंट, तो तब
क्या होता था कि जो मदर टाइगर होती थी वो बहुत ही धीमी सी आवाज में गुरगुराहट कर या हुंकार कर जब उनको बुलाती थी। ग्रंट का मतलब होता है गुरगुराहट कर या हुंकार। वो हमारे जैसे आवाज तो लगा नहीं सकते हैं, और जो टाइगर होता है वो ऐसे जोर से दहाड़ता है, तो जोर से भी नहीं दहाड़ेगा, तो धीरे धीरे से घुर घुर करके, ऐसे गुरगुराहट करके या ऐसे हुंकार भर के, ऐसे उस तरह से उनको बुलाती थी जब वो बहुत दूर चले जाते थे। तो हम यहाँ पे ग्रंट का मतलब लिखेंगे, ग्रंट का मतलब होता है घुर घुराकर, घुर घुर घुराहट, ठीक है, उस तरह से बुलाती। तो वैन इफ ही वैन टू फॉर की, अब वो बहुत, जब वो टू फॉर, फॉर का मतलब होता है दूर, ठीक है, फॉर का मतलब होता है दूर, बहुत दूर चले जाते थे, तो मदर टाइगर जो उनको कॉर्ड मतलब बुलाती थी विद लो, बहुत ही छोटी सी और धीरे से गुरंट के साथ, मतलब घुरघुराहट के साथ। एंड द टाइगर कब कम बैक, और जो टाइगर होते थे वो वापिस आ जाते थे। बट ही डिड नॉट लाइक टू स्टे नियर हिज मदर, पर उनको अपनी मदर के नजदीक रहना अच्छा नहीं लगता था इन द जंगल एट नाइट, की रात को, रात के समय जंगल के अंदर। ऑन द नाइट, ऑन नाइट द मदर टाइगर वॉज ट्राइड टायर्ड एंड क्लोज हर आइज, की एक रात को क्या होता है कि जो मदर टाइगर होती है वो बहुत टायर्ड, टायर्ड का मतलब होता है थकी थी, तो वो टायर्ड थी मतलब थकी हुई थी, कि वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी। एंड क्लोज हर आइज, कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। द टाइगर कब सॉ अ टाइनी फ्रॉग, कि जो टाइगर कब, उसने छोटा सा मेंढक देखा, ठीक है। फिर क्या हुआ, द टाइगर कब पाउंस्ड बट द फ्रॉग हॉप्ड अवे। पाउंस का मैंने अभी आपको मतलब बताया कि वो जो था वो उसके ऊपर झपटा, मैंने आपको बताया कि वो झपटा, ठीक है, तो वो जो टाइगर उसके ऊपर झपटा, बट जो फ्रॉग था वो होप्ड अवे। होप्ड का मतलब होता है कि वो फुदकता हुआ चला गया, ठीक है, क्योंकि जो फुदकते रहते हैं ना जो मेंढक होते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको इसका मतलब लिखा देती हूँ, होप्ड, होप्ड का मतलब होता है फुदकता हुआ वो चला गया, ठीक है, फुदकता, सॉरी, फुदकता हुआ, फुदकता हुआ वहां से चला गया, ठीक है। ही चेज द फ्रॉग एंड काउट इट, कि वो जो था उसको चेज कर रहा था, उसको ललकार रहा था फ्रॉग को, एंड काउट इट, और उसने उसे पकड़ लिया। एंड टर्न टू शो हिज मदर, और वो अपनी मदर को दिखाने के लिए चला गया। बट शी वॉज नॉट इन साइट, पर उसकी जो मदर थी वो उस जगह नहीं थी, साइट का मतलब होता है जगह, वो उस जगह पे नहीं थी। इंस्टेंट ही सॉ अ टाइगर, उसने, इंस्टेंट का मतलब होता है कि उसके अलावा, ही सॉ अ टाइगर, उसने एक शेर देखा, बिगर देन हिज मदर, वो उसकी मदर से बड़ा था, नियर हिम इन द जंगल, उसके नजदीक जंगल के अंदर, ठीक है। द टाइगर्स ग्रीन आईज ग्लिस्टेंड एज ही वॉच्ड द टाइगर कब, ठीक है, कि उसकी जो टाइगर की जो हरी हरी आंखें थी वो ग्लिस्टेंड कर रही थी एज ही वॉच द टाइगर कब, कि वो जो बड़ा सा टाइगर था जब वो उस छोटे से टाइगर कब, मतलब छोटे से टाइगर के बच्चे को देखा, तो उसकी आईज ग्लिस्टेंड कर रही थी, ग्लिस्टेंड का मतलब वो चमक रही थी, ठीक है। ग्लिस्टेंड का मतलब होता है जी एल आई एस टी ई एन डी, ग्लिस्टेंड का मतलब होता है चमक रही थी, उसकी आंखें चमक रही थी। फिर क्या हुआ, द टाइगर कब वॉज फ्राइटन, फ्राइटन का मतलब होता है कि वो डर गया, ठीक है, जो छोटा सा बच्चा था वो डर गया था। एंड ही कुड नॉट हाइड और रन, तो पहले हम यहाँ पे फ्राइटन का मतलब लिख लेते हैं, फ्राइटन का मतलब होता है डर गया था, डर गया था। ही कुड नॉट हाइड और रन, वो ना तो हाइड का मतलब छुप पा रहा था ना ही दौड़ पा रहा था। हाइड का मतलब होता है, हाइड का मतलब होता है छुपना, ठीक है, हाइड का मतलब होता है छुपना, सॉरी, छुपना, ठीक है, ना तो वो छुप पा रहा था ना ही तो वो दौड़ पा रहा था। ही लेट द फ्रॉग होप अवे, उसने जो है वो जो फ्रॉग था उसने उसे
छोड़ दिया, ठीक है, उसने उसको फुदकने दिया। एंड द टाइगर कैप्ट अप क्लोजर टू द लिटिल टाइगर, वो जो बड़ा सा टाइगर था वो छोटे टाइगर के नजदीक नजदीक आता जा रहा था। बट अ रोअर फिल्ड द जंगल, बट जो उसका जो रोअर, रोअर मैंने अभी आपको बताया है पीछे वाले वीडियो में आपने देखा होगा जब मैंने आपको वर्ड मीनिंग बताए थे, कि जो टाइगर होता है उसके जो धाड़ना होता है उस आवाज को हम इंग्लिश बोलते हैं रोअर की, बट जो उस धाड़ने से पूरा का पूरा जंगल उस धाड़ से भर गया था, उसकी इतनी ज्यादा धाड़ थी। एंड द रोअर ऑफ द मदर टाइगर, और जो मदर टाइगर थी उसका भी वहां पे रोअर था, मतलब उसका भी धाड़ना था। शी फेस द अदर टाइगर एंड ही वेंट अवे, उसने और टाइगर को देखा और वो वहां से चला गया, ठीक है। शी फेस द अदर टाइगर एंड ही वेंट अवे, कि उसकी जो मदर थी उसने उस टाइगर को फेस किया, मतलब उसको उसका सामना किया और जो छोटा सा टाइगर कब था वो वहां से चला गया। द मदर टाइगर लाइक टू रोअर अलाउड अ बिग टाइगर रोअर टू टेल ऑल अदर एनिमल इन द जंगल, कि जो मदर टाइगर थी वो चाह रही थी कि वो जोर से दहाड़े, अलाउड मतलब जोर से, बिग टाइगर रोअर मतलब कि जो बड़ा टाइगर जो दहाड़ रहा था उससे ज्यादा जोर से भी दहाड़ना चाहती थी। टू टेल ऑल अदर, टेल मतलब कि बताना, टू टेल मतलब बताना, ऑल अदर एनिमल इन द जंगल, कि जितने भी और एनिमल्स थे जंगल में उनको वो बताना चाहती थी, दैट शी वॉज देयर, कि वो वहां पर है। ऑल द अदर एनिमल इन द जंगल केप्ट फार फार अवे, और जितने भी जो जंगल के अंदर एनिमल थे वो वहां से बहुत बहुत दूर चले गए, क्योंकि उन्हें लगा कि वो उसको खाने के लिए आ रही है, तो वहां से वो सभी जानवर वहां से दूर, बहुत दूर 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 चले गए। द टाइगर कब ऑल्सो लाइक टू रोअर, जो छोटा सा टाइगर का बच्चा था वो भी दहाड़ना चाहता था, अलाउड जोर से, अलाउड टाइगर कब रोअर टू टेल ऑल अदर एनिमल, वो भी जो छोटा सा टाइगर का बच्चा था वो भी जोर जोर से दहाड़ना चाहता था ताकि वो सभी एनिमल्स को बता सके जो और थे जंगल में, दैट ही वॉज देयर, कि वो वहां पे है। ऑल अदर एनिमल इन द जंगल वर नॉट अफ्रेड एट ऑल, बट जितने भी और अदर एनिमल थे जंगल के अंदर वो बिल्कुल भी नहीं डरे, नॉट अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है डरना, अफ्रेड का मतलब होता है डरना, ठीक है, वो नहीं डरे एट ऑल। एंड नन ऑफ देम रन अवे, और उनमें से कोई भी जो है वो नहीं डरा, नन ऑफ देम रन अवे, और कोई भी वहां से नहीं भागा। बट देयर केम अ ईयर व्हेन द स्मॉल टाइगर कब वॉज फुल ग्रोन टाइगर, की जब साल होने को आया, ठीक है, जो छोटा सा टाइगर था वो बहुत बड़ा टाइगर बन गया था। ही वॉक फॉर माइल्स अलोन, अब वो मीलों तक जो था वो सैर कर लेता था, मतलब कि वो चला जाता था अकेला। हंटिंग फॉर गेम एट नाइट, कि वो हंटिंग फॉर गेम एट नाइट करता था, कि वो रात को जब वो शिकार करता था। व्हेन ही रोड टू टेल ऑल अदर एनिमल, कि जब वो दहाड़ता था, टू टेल, टेल का मैंने आपको मतलब बताया कि बताने के लिए, ऑल अदर एनिमल इन द जंगल, दैट ही वॉज देयर, कि वो वहां पे है। ऑल अदर एनिमल इन द जंगल केप्ट फार फार अवे, तो जितने भी जो जानवर थे जंगल में वो बहुत दूर दूर चले जाते थे। एंड द ग्रेट बिग टाइगर दैट हैव बीन अ स्मॉल टाइगर, जो ग्रेट, अब जो बड़ा, जो महान और जो बड़ा जो टाइगर था, दैट हैड बीन अ स्मॉल टाइगर कब, जिस जो एक छोटा टाइगर कब था, हियरिंग हिज ओन लाउड रोअर, वो अपनी एक खुद की एक जोर की जो दहाड़ थी उसको सुनता है, स्माइल टू हिमसेल्फ, और अपने ऊपर वो हंसता है, मतलब अपने लिए वो स्माइल करता है, मुस्कुराता है, अ ग्रेट बिग टाइगर स्माइल, ठीक है, स्माइल टू हिमसेल्फ, अ ग्रेट बिग टाइगर स्माइल, की एक बड़े ग्रेट बिग टाइगर स्माइल की तरह, ठीक है। तो ये जो पोइम थी वो लॉइस हैमिल्टन फ्यूलर ने लिखी थी, जिसमें बताया कि जो छोटा था जो टाइगर था वो बहुत बड़ा हो गया, जब छोटा था तब उससे कोई नहीं डरता था, जब वो दहाड़ता था, जब वो और एनिमल्स को बताना चाहता था कि हाँ कि यहाँ पे मैं हूं, और तो उससे कोई नहीं डरता था, पर जब वो बड़ा हुआ तो उससे सब डरते थे। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स की मीनिंग है जो न्यू होंगे, शेडी मैंने आपको बता दिया, छाव, वेलोड, मैंने आपको इन सभी वर्ड्स की मीनिंग यहाँ पे लिखवा दिए हैं, शेडी का लिखवा दिया था, फिर फेजेंट का लिखवा दिया है, फिर वेलोड का मैंने लिखवा दिया चीखना, शायद कहीं कहीं लिखा होगा, फिर
ट्विच्ड का मैंने मतलब आपको बता दिया कि झटकना, फिर उसके बाद पाउंस का मतलब मैंने आपको बता दिया, झपटना, ग्रंट का मतलब मैंने आपको बता दिया, गुरगुराहट करके, गेम का मतलब यहाँ पे ये था कि वो गेम खत्म, जैसे हम बोलते हैं ना कि गेम खत्म, मतलब ये शिकार कर लिया जाता था। ग्लिस्टेंट का मतलब होता है चमक रही थी। रोअर्ड का मतलब कि वो दहाड़ रहा था। फिजेंट का मतलब होता है तीतर, और फाउल का मतलब होता है मुर्गा। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म हो गई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये स्टोरी पढ़ने में मजा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।